नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आज हम आए हैं भारत सुजुकी प्रीमियम लहरतारा वाराणसी पे और आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी SS125 के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और किस मामले में ये स्कूटी बाकी स्कूटियों से ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इसके साथ। तो बात करते हैं इसे की के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसमें की मिलती है उसमें आपको एक सुजुकी का लोगो मिल जाता है, हल्की सी ग्रिप आपको यहाँ मिल जाती है। की की क्वालिटी की बात करूँ, की की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे से मिलती है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको होल्ड करने में भी काफ़ी अच्छा फील होता है आपको। तो बात करते हैं इसके फ्रंट से। आप सबसे पहले जो नज़र जाती है आपके सुजुकी के लोगो पर नज़र जाती है, जो इसका लोगो है काफ़ी प्रीमियम फील देता है, आपको काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। और उसके बगल में आप बढ़ेंगे तो इसके इंडिकेटर्स जो दिखते हैं आपको, इंडिकेटर्स आपको हैलोजन मिल जाते हैं बट उसके नीचे LED DRS मिल जाते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगते हैं। नाइट टाइम में तो ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं ये। और बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स के, हेडलैम्प्स आपको फुल LED हेडलैम्प मिलते हैं और थ्रो की बात करें तो नाइट टाइम में काफ़ी अच्छा थ्रो भी इस गाड़ी का आपको मिल जाता है। अगर सिटी में आप ड्राइव करते हैं तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर कभी कभार हाईवे पर जाते हैं तो आपको इसके लाइट से तो रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हम बात करेंगे जो हेडलैम्प के बगल में आपको क्रोम प्लेटिंग मिल जाती है, वो भी काफ़ी खूबसूरत और क्लासिक लुक देती है इस गाड़ी को, एक प्रीमियम लुक देती है। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आती है क्रोम प्लेटिंग, आप दूर से देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। और मैं बात करता हूँ आप यहाँ पे साइड मिरर्स की, तो ये भी क्रोम प्लेटेड है, ये सिर्फ स्पेशल एडिशन मिलता है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है स्कूटी, इसमें आपको मिल जाता है क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है। तो चलिए चलते हैं इसके टायर्स की तरफ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपको टायर साइज ऑफर होता है 1990 12 इंच, मीन्स ये 12 इंच का आपको इसमें टायर ऑफर हो जाता है। और अलॉय व्हील की बात करें तो ब्लैक कलर का आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील मिलता है, वो भी काफ़ी खूबसूरत और स्पोर्टी लगता है। और मैं बात करता हूँ इसमें जो सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश में, इस गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी फील वर्क करा देता है। और मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ इसमें डिस्क ऑफर होता है और डिस्क की क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। और ऊपर की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और मडगार्ड की बात करें तो आपको मेटल में मडगार्ड मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, ये जो स्कूटी है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आती है। और मैं बात करूं तो इसमें जो आप कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होता है वो वर्क इस तरह से करता है, जब आपका इसका बैक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 30% का फ्रंट ब्रेक लगता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मीन्स कि जब आप हाई स्पीड पर हों या फिर ट्रैफिक में हों, जब आप इसका ब्रेक अप्लाई करेंगे तो दोनों ब्रेक अपने नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से लगते हैं, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इस स्कूटी का जो मेन अट्रैक्शन है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है, इसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके सुजुकी राइड कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको ओपन आप करेंगे, ओपन करने के बाद स्कूटी को ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे पहले यहाँ पर सब नेक्स्ट कर लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा सब आप नेक्स्ट करते जाएंगे, फिनिश कर लेंगे, अपना नाम यहाँ पे डालेंगे जो भी नाम है यहाँ पे आप डाल के, लास्ट लोकेशन आपकी जो है वो आपको डाल लीजिए, अलाउ कर लीजिए राइड स्कूटर, फिर अपना मॉडल सेलेक्ट करिए SS125, टर्म एंड कंडीशन को अलाउ करिए, फिर इंटर लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन वाराणसी आप यहाँ पे ले लिए, यहाँ से इसको नोटिफिकेशन इनेबल करिए आप, जो भी नोटिफिकेशन आपका इनेबल हो जाएगा उसके बाद आप बैग लीजिए, फिर आप पेयर करिए पेयर विद सुजुकी। और यहाँ पे देख, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है सेम नंबर आपको यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर टैप करके इसको पेयर कर लीजिए। जैसे ही ये पेयर होगा स्कूटी आपकी पेयर हो चुकी है, यहाँ पे लिख के आ रहा है अर्पित वर्मा कनेक्टेड। तो उसके बाद आप जो भी लोकेशन पे जाना चाहते हैं या फिर कोई कॉल है नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे जो ये आई बटन है ये ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद आपका कहीं पे जाना है, जैसे वर्क पे आपको जाना है तो यहाँ पे कोई आप सेट कर सकते हैं डायरेक्शन, जैसे कि मैं DLW सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जाके लिख के आ रहा है DLW रोड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड सक्सेसफुली वर्क पे वो सेट हो गया तो आप यहाँ पे ओके करेंगे, अलाउ करेंगे। जैसे ही डायरेक्शन सेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन लिख के आ रहा है 1 किलोमीटर, टर्न जो भी है जहाँ पे भी टर्न लेना होगा सब कुछ बताएगा आपको। जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, बैटरी यहाँ पे इंडिकेट करता है, ब्लूटूथ का इंडिकेशन आपको यहाँ पे है, नेटवर्क आपको यहाँ पे शो होता है, इंजन चेक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, टाइम आपका यहाँ शो होता है। और बात करते हैं इसके स्पीड की तो यहाँ पे आपको शो हो जाती है, फ्यूल का इंडिकेशन आपको इस जगह पे मिल जाता है। और कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेल्फ मिल जाता है, इसका यहाँ पे सिंगल सेल्फ में आपको गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और गाड़ी के साउंड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम के लिए इंडिकेटर कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, हॉर्न का स्विच आपको इस जगह पर मिल जाता है। और बाकी फील एंड
की फिनिश की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको इस स्कूटी में मिल जाती है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यूएसबी टाइप वाला, और उसके बगल में लाइट भी जलती है जो कि आपको नाइट टाइम में हेल्प कर सकती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो बॉक्स दिया गया है जिसमें आप फ़ोन चार्ज में लगा के यहाँ पे रख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ छोटा सा हुक दिया है, आप सब्जी वब्जी ले जाना चाहते हैं मार्केट में तो वो ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फैमिली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है ये स्कूटी। तो साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको पार्ट मिलता है ये आपको फाइबर मिल जाता है, बट ये सामने वाला जो पार्ट है ये मेटल मिलता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया था, यहाँ पे आपको छोटा सा हुक आपको यहाँ मिल जाता है, ये जो हुक है ये भी प्लास्टिक का आपको मिलता है, बट उसकी क्वालिटी भी ठीक सी आपको मिल जाती है। और मैं बात करूँ यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाता है, वो भी काफ़ी सही जगह आपको प्लेसमेंट है, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो साइलेंसर कवर की बात करें वो आपको क्रोम प्लेटेड साइलेंसर कवर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, क्लासिक लुक देता है स्कूटी को। और मैं टायर की अगर मैं बात करता हूँ तो टायर साइज जब आपको इस गाड़ी में आपको मिलता है वो आपको मिल जाता है 90-110, मतलब 10 इंच का आपको टायर मिलता है विथ एलॉय व्हील। और यहाँ पे जो एलॉय व्हील मिलता है ब्लैक ग्लॉसी जो जैसा सामने आपको मिलता था वैसा ही एलॉय व्हील आपको यहाँ पे भी मिलता है, तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ये स्कूटी है सुजुकी इको परफॉर्मेंस SEP के साथ में आती है। SEP का कहना ये है, मतलब कंपनी ये कहती है कि ये ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करती है और ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आपको एक्सेस 125 का लोगो मिल जाता है, वो भी क्रोम फिनिश में काफ़ी अच्छा लगता है, एक प्रीमियम लुक दे देता है इस स्कूटी को। और मैं बैक लाइट की बात करूँ तो बैक लाइट आपको हैलोजन मिल जाती है, जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हैलोजन मिल जाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं फ्यूल टैंक की, तो उसको ओपन करने के लिए आपको की का यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पर की को डाल के यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आता है ये, और जिसका एवरेज कंपनी क्लेम करती है 62 KMPL का, बट रियल टाइम एवरेज 45-50 ये आराम से दे देती है विथ 25 cc इंजन के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा एवरेज माना जा सकता है 25 cc के अकॉर्डिंग। मैं ग्रैब हैंडल की बात करूँ तो आपको ब्लैक फिनिश में यहाँ ग्रैब हैंडल मिल जाता है, वो भी काफ़ी सही से लगता है। और बूट की बात करूँ तो बूट ओपन आपको डायरेक्ट सेंट्रली होता है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। पहले आप ऑन करेंगे फिर आप उसको पुश करेंगे अपोजिट साइड में तो ये उसका बूट ओपन हो जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई। और बूट की मैं बात करूँ तो 21 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इसमें ऑफर होता है आपको। तो मैं सीट की बात करूँ तो इसमें ब्राउन कलर की वाइट स्टिचिंग के साथ सीट मिल जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है इस गाड़ी पे, मतलब कलर के अकॉर्डिंग काफ़ी सही लगती है, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है, क्योंकि ब्राउन आपको सामने का जो डैशबोर्ड और बाकी सभी है ये भी आपको ब्राउन मिलता है और सीट भी ब्राउन, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है ये। मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 8.7 PS का पावर जनरेट करती है 6700 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क की स्कूटी जो जनरेट करती है 10 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 5500 RPM पे, जो कि काफ़ी अच्छा पावर फिगर माना जा सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे दो स्कूटी देख रहे हैं, ये दोनों स्कूटी एक्सेस 125 की स्पेशल एडिशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है। और इसमें दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ इतना ही है कि जो ब्रॉन्ज कलर वाली है उसमें आपको डिस्क मिल जा रहा है, और जो ये मैट ब्लू है ये विदाउट डिस्क है, कलर दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा, बट जहाँ पे जो अवेलेबल है वो डिस्क है, ये विदाउट डिस्क है। और दोनों की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ जो आपको डिस्क के साथ आती है वो 79,221 एक्स शोरूम वाराणसी का प्राइस है, और जो एलॉय व्हील सिर्फ ड्रम के साथ में आती है वो 78,320 रुपीज़ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और गाड़ी किसी और रास्ते पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और मैं एक बार फिर से भारत सुजुकी प्रीमियम डीलरशिप वाराणसी लहरतारा का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड की। और आपकी कोई भी क्वारी हो 2-व्हीलर 4-व्हीलर से रिलेटेड तो मुझे आके कमेंट में या फिर मेरे ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए धन्यवाद।